नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भगवान और मंदिरों का बड़ा महत्व है। यूँ तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ जगह जगह आपको अलग अलग देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनने में 18 सालों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगा होगा। ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में स्थित है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटा गया था। कहते हैं कि इसे बनवाने वाले राजा का मानना था कि अगर कोई इंसान हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वो यहाँ आकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर सकता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने शुरू करवाया था और करीब 7,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। बता दें, इस मंदिर में देश विदेश से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी पुजारी नहीं है और आज तक यहाँ कभी पूजा नहीं हुई। आपको बता दें कि यूनेस्को ने 1983 में ही इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।